हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, ये वाले वीडियो में मैं आपको एक और नई स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग के लिए, जो आप ओलिमट्रेड में एज वेल एज अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एज वेल एज आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। और मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये वाली स्ट्रेटजी रिसेंटली मैंने ट्राई किया है, उसके बाद आपके लिए जो है वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होने वाली। एक बार आपने सीख लिया तो समझ लो कि आप लगातार प्रॉफिट ले सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और बहुत सारे चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखना चाहते हो मेरी चैनल के ऊपर, तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, आप उसको देख के इस्तेमाल कर सके। तो चलो, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं, आज का छोटा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि ये वाले वीडियो में मैं आपको एक और नई स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली ट्रायल कंप्लीट किया है। मैंने खुद ने बहुत सारे टाइम तक यहाँ पर इसको यूज़ किया है, फिर उसको अप्लाई किया है, और उसके बाद जाके आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो ये वाले वीडियो में हम जो है यहाँ पर दो ऑस्किलेटर यूज़ करने वाले। तो ऑस्किलेटर तो आपको मालूम है, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो ऑस्किलेटर आपको दिखाई देगा बियर्स पावर एंड बुल्स पावर। तो ये इन दोनों को आपको ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला बुल्स पावर और नीचे वाला बियर्स पावर है। अभी बुल्स एंड बियर्स क्या है वो तो आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। तो बुल्स यानी कि ऊपर जाने वाला, अभी बुल्स को हिंदी में क्या बोलते, मेरे को मतलब वर्ड याद नहीं आ रहा है, सांड बोलते शायद, सांड, तो ऊपर जाने वाला सांड। और बियर्स यानी कि वो भालू जैसा होता है ना, वो डाउन में लाता है, यानी कि मार्केट को गिराता है। ये सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, या तो फोटोज़ देखा होगा, या तो सुना होगा बुल्स एंड बियर्स, या तो अदरवाइज आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, पहले आप क्लियर कर लो बुल्स एंड बियर्स क्या होता है। बुल्स होता है वो मार्केट को ऊपर ले जाता है, और बियर्स होता है वो मार्केट को डाउन लाता है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा बुल्स पावर एंड बियर्स पावर। तो एक ग्रीन वाला बुल्स का है और नीचे वाला बियर्स का है। अभी सबसे पहले तो जो है मैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, हम आगे देखेंगे। तो देखो, अभी स्ट्रेटजी को देखना किस तरीके से है और यहाँ पर किस तरीके से एनालिसिस करना है वो सबसे पहले सीख लो। तो देखो, यहाँ पर बुल्स है ग्रीन वाला, वहाँ पर एक जीरो दिखाई दे रहा है, जीरो का एक लाइन है, छोटा सा हल्का सा एक लाइन है। जीरो के नीचे कुछ ग्रीन लाइंस फॉर्म हो रहा है, जीरो के ऊपर कुछ ग्रीन लाइंस फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली बियर्स में भी ऐसा है, जीरो का लाइन है और यहाँ पर जीरो के ऊपर कुछ लाइन बन रहे हैं, जीरो के नीचे कुछ लाइन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट को देखना है। सबसे तो देखो, हम बियर्स का बुल्स का समझ लेते हैं, बुल्स यानी कि ग्रीन वाला। तो सबसे पहले हम यहां पर जीरो का लाइन का समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी यहां पर बुल्स का आप देख रहे हो और यहां पर ग्रीन कैंडल है, कोई एक साइड तो बनेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। अभी देखो, अगर ये ग्रीन वाला कैंडल ऊपर की साइड में बनता है, यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग दो चीज़ें देखना होगा, बुल्स एंड बियर्स दोनों को एक साथ में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बुल्स वाला सीख लो। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट अप जाने वाला है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि जीरो की लाइन के ऊपर बन रहा है ग्रीन कैंडल, तो अभी मार्केट अप जाने का टाइमिंग है। सिमिलरली उसी दौरान आपको देखना है कि बियर्स में क्या पोजिशन है। अगर बियर्स में यहाँ पर ऊपर की साइड में है, यानी कि जीरो की ऊपर की साइड में, तो वो भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ऊपर जाएगा। बट अगर ऊपर की साइड में कैंडल बन रहा है तो दोनों ऊपर की साइड में नहीं होगा, कभी कभार क्या है दोनों ऑपोजिट साइड में भी होता है। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि अगर बियर्स यानी कि रेड वाला जीरो की लाइन के नीचे है, इसका क्लियर मीनिंग है कि ये डाउनफॉल आ सकते हैं। अभी आपको कैंडल का साइज देखना पड़ेगा, यानी कि मान लो कि यहाँ पर हम देखें तो ये वाला कैंडल, मेरा कर्सर देखो, ये वाला कैंडल जो है यहाँ पर, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कि जीरो की ऊपर की लाइन के लिए बुल्स जो है वो फॉर्म हुआ हुआ है, यानी कि इसका मीनिंग हमें माइंड में स्ट्राइक होगा कि ये अपट्रेंड आ सकता है। सिमिलर चीज़ अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर जीरो के नीचे बियर्स फॉर्म हुआ है, जीरो के नीचे है बट
कैंडल छोटा सा है, कंपेरेटिव कैंडल छोटा सा है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आ सकता है कि यहाँ पर अपट्रेंड जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइमल्टेनियसली देखना है। अभी मान लो कि यहाँ पर करंट पोजिशन में आपको समझा, तो करंट पोजिशन में क्या है कि दोनों ही जीरो की लाइन के नीचे है, इसीलिए डाउन ट्रेड आ सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे को एक डाउन ट्रेड ओपन करना है और आप देखो कैंडल रेड भी हो रहा है, तो इसी के कारण मैं डाउन ट्रेड ओपन करने का बोल रहा था। और यहाँ पर आप बियर्स का देखो तो कितना बड़ा रेड कैंडल है, तो अभी आप हमारा ट्रेड देखो तो अच्छा खासा प्रॉफिट में जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बियर्स देखा, बुल्स देखा, दोनों जीरो की लाइन के नीचे है, इसका क्लियर मीनिंग है डाउन ट्रेड आ सकता है। अभी मान लो कि देखो अगर ये वाला लाइन है बुल्स का ग्रीन लाइन, ये ऊपर रहता यहाँ पर ऊपर, और ये वाला नीचे रहता, बियर्स का नीचे ही रहता, बट यहाँ पर ग्रीन वाला एकदम छोटा सा जीरो की ऊपर होता, फिर भी हम ये ग्रीन वाला को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड वाला कैंडल जो है बहुत बड़ा है, यानी कि बियर्स का कैंडल जीरो के नीचे है और बड़ा है, तो यहाँ पर हम एक डाउन ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इजीली यहाँ पर हमारा ट्रेड चल रहा है और मैंने वीडियो बनाते बनाते आपको एक ट्रेड लेके समझा दिया कि किस तरीके से बियर्स पावर एंड बुल्स पावर वर्क करता है। तो सिंपल से आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो हमारा ट्रेड भी प्रॉफिट हो गया और रिजल्ट भी अपडेट हो गया, तो देखो आपको सिंपली चार चीज़ें याद रखना है, बुल्स में जीरो की लाइन के ऊपर, जीरो की लाइन के नीचे, और बियर्स में जीरो की लाइन के ऊपर, जीरो की लाइन के नीचे। अभी उसके अंदर अगर डीप में थोड़ा याद रखना है तो आपको याद रखना है कि बुल्स में अगर जीरो की ऊपर है तो यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, और सिमिलर चीज़ अगर बियर्स में यानी कि भालू में डाउन में अगर यहाँ पर जीरो की लाइन के नीचे फॉर्म हो रहा है तो वो डाउन ट्रेंड हो सकता है। उसके बाद थोड़ा और डिप में जाते हैं तो अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है, कैंडल दोनों ही ऑपोजिट में होता है, बुल्स वाला ऊपर होता है और बियर्स वाला डाउन होता है, तो जब भी दोनों ऑपोजिट हो तभी आपको क्या देखना है कि कैंडल का साइज़ देखना है, यानी कि अगर बुल्स का जीरो की लाइन के ऊपर बन रहा है और साइज बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर बियर्स का यानी कि रेड का जीरो के नीचे फॉर्म हो रहा है, उसका साइज़ छोटा है, तो हम छोटे वाला साइज़ को नेगलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऊपर की साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पर ट्रेड लेने का टाइमिंग कितना रहेगा वो एक बड़ी बात है और इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो बियर्स पावर बुल्स पावर, तो यहाँ पर अगर आप एक मिनट का कैंडल फ्रेम देख रहे हो तो आप यहाँ पर ट्राई करो कि ट्रेड जो है 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 मिनट वाला ट्रेड अच्छा होगा। अगर कोई 5 मिनट वाला कैंडल देख रहा है थोड़ा अच्छा एनालिसिस करने के लिए, तो वहाँ पर जो ट्रेड होगा वो 10 या तो 15 मिनट का होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। करस्पॉन्डिंग आगे भी 15 मिनट या तो आधे घंटे का अगर कैंडल देख रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप ट्रेड लेना। अभी एक मेन चीज़ की अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करें तो आप सिंगल स्ट्रेटजी मत यूज़ करो, इसके साथ में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पर मेरे को एक थोड़ा ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, मैं साथ में वो भी यूज़ कर सकता हूँ, तो आप मेरी तरह ये सब चीज़ें यूज़ करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को साथ में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है कि कोई भी स्ट्रेटजी के साथ में आप यूज़ करो तो रिजल्ट जो है एनहांस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। और ये बुल्स पावर एंड बियर्स पावर बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, मैंने आपको सिखाया। अभी कोई और करेंसी में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमें कोई इंडिकेशन मिला या तो हमें कोई जो है कोई पोजीशन मिला तो हम यहाँ पर ट्रेड, तो अभी देखो यहाँ पर ये वाला केस मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर एस्ट्रो इंडेक्स में क्या है कि बुल्स जो है, बुल्स यानी कि ग्रीन वाला यानी कि जो सांड रहता है, सांड जो है वो जीरो की लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर बियर्स यानी कि रेड वाला भालू, भालू जो है जीरो की लाइन के नीचे फॉर्म हो रहा है, जो मैंने आपको आगे बताया था दोनों ही ऑपोजिट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर कैंडल का साइज देखना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल बड़ी है, तो इसके सामने छोटी वाली कैंडल को हम नेगलेक्ट कर सकते। तो देखो यहाँ पर जो बुल्स वाला है यानी कि ग्रीन वाला है वो एकदम छोटा कैंडल है, कंपैरेटिव यहाँ पर आप देखो कि बियर्स वाला रेड कैंडल बड़ा है, तो यहाँ पर आप देखो डाउन ट्रेड आ रहा है, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए तो इसीलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। बाकी आप देखो बहुत ही अच्छा डाउन फॉल आ रहा है, तो इसी तरीके से आपको अच्छा से अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। और अभी देखो बुल्स भी नीचे फॉर्म हो रहा है और बियर्स भी नीचे ही है, यानी कि इसका क्लियर मीनिंग है कि डाउन ट्रेड आ सकता है, तो करस्पॉन्डिंग आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। चलो कोई और करेंसी में चलते, अगर वहाँ पर कोई और पोजीशन रहा तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो
यूरो यूएसडी में, तो यहाँ पर बुल्स ऊपर है और यहाँ पर बियर्स नीचे, सेम पोजीशन हुआ। बट यहाँ पर इस बार क्या है कि बुल्स का जो कैंडल है वो बड़ा है कंपेरेटिव टू बियर्स, तो हम यहाँ पर एक मिनट का ट्रेड लेंगे। मैं ज़्यादा मिनट का नहीं लूँगा और थोड़ा लेट भी हो गया, वो कैंडल अचानक से ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा मिनट का मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाना है। अगर मैं ज़्यादा मिनट का ट्रेड लूँगा फिर वीडियो बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको जस्ट सिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से यूज़ करो। और ये वाली स्ट्रेटजी मैंने पर्सनली 28 से 30 दिन तक प्रैक्टिस किए। पहले मैंने फॉर्मेशन किया, पहले थोड़ा मैंने पर्सनली एनालिसिस किया, फिर यूज़ किया 28 से 30 दिन, उसके बाद जाके आपके लिए ये वीडियो बना के आ रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो बीच में क्या हुआ कि जो बियर्स था उसका कैंडल जीरो के ऊपर फॉर्म हो गया, यानी कि इसका क्लियर मीनिंग है कि अभी अपवर्ड ट्रेड आ सकता है। बट यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डाउन में चला गया, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा एक और ट्रेड लगाएंगे, बट एक कैंडल का वेट करेंगे। अभी इसके आगे जो कैंडल बनेगा इसका हम वेट करेंगे, हमारा ये वाला ट्रेड जो है वो थोड़ा लॉस में चला है। और एक ज़रूरी बात मैं आपको समझा दूँ कि देखो ये सारी स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि 100% वर्क करेगा ही करेगा, तो आप अपना खुद का जो रिस्क है वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करके चलो। और साथ में जो मैंने बताया कि यहाँ पर आप लोग जो है स्टॉप लॉस और फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस या तो ट्रेंड लाइन या तो अदर स्ट्रेटजी भी साथ में यूज़ किया करो। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एक और ट्रेड $50 का ऐड किया है, तो वो देखते हैं कि अभी क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। थोड़ा सा डाउन चला है, अभी ये नया कैंडल फॉर्म होगा तो वहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो ऑलमोस्ट दोनों कैंडल सेम ही फॉर्म हुआ है, आई थिंक अप जाना चाहिए। बट देखो ये मार्केट है, लास्ट सेकंड तक हम कुछ बोल नहीं सकते और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने मनी मैनेजमेंट किया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ा ट्रेड भी लेना पड़ रहा है बट स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क कर रहा है उसके लिए तो एक लाइक बनता है। और पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाते बनाते एक लाइव ट्रेड दिखा दिया, वो बेस्ट ट्रेड था, मतलब बेस्ट पोजीशन था और बेस्ट ट्रेड था। वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया, समझा दिया और सारा का सारा पोजीशन मैंने समझा दिया। अब ये स्ट्रेटजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप देखो अच्छा खासा डिफरेंस मेंटेन कर रहा है और ये हमारा ट्रेड प्रॉफिट हो चुका है। आगे वाला एक ट्रेड लॉस हुआ, कोई दिक्कत की बात है ना, हमने मनी मैनेजमेंट यूज़ किया और एक्स्ट्रा ट्रेड प्लेस किया, हमारा प्रॉफिट हो गया। देखो अच्छा खासा ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। बट देखो ये वाली स्ट्रेटजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छे टाइम के लिए आपको जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने 28 से 30 दिन प्रैक्टिस किया तब जाके मेरे को अच्छे से अच्छा डिसीजन आ रहा है, तो आप भी जल्दी से जाके प्रैक्टिस करो और उसके बाद जाके आप जो अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज है, VIP स्ट्रेटजीज है, मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। और अभी का कैंडल देखो, ये वाला कैंडल बुल्स का और बियर्स का दोनों ही कैंडल जीरो के ऊपर, इसका क्लियर मीनिंग है अप ट्रेंड जाना चाहिए। और एक बार कैंडल का साइज देख लो आप कितना अप जा रहा है, यानी कि ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जल्दी से जाके ये स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करो और वीडियो को पहले लाइक करो। बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटजी लेकर आए हो, एक महीना लगा ये स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, तो ये मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलो मिलते हैं इसकी कोई और वाली वीडियो में।